हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी पार्ट 2 पॉपुलेशन। वी डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। टुडे वी डिस्कस अबाउट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। यानी कि जो डेंसिटी मतलब घनत्व, जो जनसंख्या घनत्व है, वो ये बताता है कि एक स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें कितने लोग निवास करते हैं। यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो उस जगह का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का घनत्व बताती है। इट हेल्प इन गेटिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन ऑफ लैंड। इससे हमें ये पता चलता है, ये हमें इस ये समझाने में मदद करता है कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और पॉपुलेशन और लैंड यानी कि जो जगह है उसमें किस तरीके के संबंध हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 2001 इज 313 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एंड रैंक थर्ड अमाउंट द मोस्ट डेंसिटियल पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ एशिया फॉलोइंग बांग्लादेश एंड जापान। अगर हम देखें तो 2001 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 313 यानी कि 313 पर्सन प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर था। इससे जो हम वर्ल्ड जो एशिया है, एशिया में हम इसमें तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर बांग्लादेश जिसका जनसंख्या घनत्व 849% है और सेकंड नंबर पे आता है जापान जिसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी 334% है। देयर हैज़ बीन ए स्टेडी इंक्रीज ऑफ अबाउट 200% पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 50 ईयर्स एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 117% पर स्क्वायर किलोमीटर इन 1951 टू 313% स्क्वायर किलोमीटर इन 2001। हमें देखने को मिलता है कि जो प्रति किलोमीटर में 200 व्यक्ति की हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे हम देखें तो पिछले 50 साल में भारत में प्रति व्यक्ति जो वर्ग किलोमीटर है उसमें 200 व्यक्ति बड़े हैं। जैसे 1951 में जो हमारा जनसंख्या घनत्व था यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 117 प्रति व्यक्ति किलोमीटर थी, जो 2001 में इंक्रीज होकर 313 पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई। द डेटा शो इन गिव ए आइडिया टू स्पेशल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन द कंट्री विच रेंज ऑफ एज लो एज 13% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। जहां हम इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो दिखाया गया है जिसमें जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें 13 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर निवास करते हैं। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में 13 व्यक्ति निवास करते हैं। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हम देखते हैं कि 9,340% इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। वहीं दिल्ली में एक स्क्वायर किलोमीटर में 9,340 व्यक्ति निवास करते हैं। अमोंग द नॉर्थन इंडियन स्टेट, अगर हम उत्तर भारत के जो राज्य हैं उसमें देखें, वेस्ट बंगाल 903, बिहार 880 एंड उत्तर प्रदेश 690 हैव हायर डेंसिटी। यहाँ पर उच्च जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वाइल केरला 819 एंड तमिलनाडु 480 हैव हायर डेंसिटी अमोंग द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट। जो प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिणी भारत के अगर हम राज्यों में देखें तो केरला तमिलनाडु बहुत ही ज़्यादा उच्च डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।
स्टेट लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा है मॉडरेट डेंसिटी। इन जो राज्य हैं असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ की जो डेंसिटी है जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। द हिल स्टेशन ऑफ हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैव रिलेटिवली लो डेंसिटी वाइल द यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अगर हम देखें तो जो हिल स्टेशन यानी जो पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें असम है वहाँ पर, और जो इंडियन टेरिटरीज है अंडमान निकोबार, तो हम वहाँ देखेंगे कि जो वहाँ की जो डेंसिटी, वहाँ का घनत्व बहुत ही कम है वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर पैराग्राफ, इट इज़ ए क्यूट मेजर ऑफ ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप टू गेट द बेटर इन साइन ऑफ द ह्यूमन लैंड रेशो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन टोटल कलेक्टेबल लैंड। द फोसियोग्राफिक फिजियोग्राफिकल एंड द एग्रीकल्चर डेंसिटी शुड बी फाउंड ऑफ विच आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम ए कंट्री लाइक इंडिया हैविंग ए लार्ज एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। जहाँ हम देखें जो भारत में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो कृषि है, कृषि पर लोग ज़्यादातर निर्भर करते हैं।